गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रामकृष्ण शिंदे, डायरेक्टर जीनियस इंग्लिश कोचिंग क्लास, आपका स्वागत करता हूँ हमारे जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। और दोस्तों, जैसे कि हम लोग फॉर्म्स ऑफ टू बी सीखे इस सीरीज में, और उसमें यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ टू बी इन द सेंटेंसेस, फिर उसके सिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं, सिक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस, उसका वर्बल क्वेश्चन जो अफर्मेटिव होता है, फिर वर्बल क्वेश्चन नेगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन नेगेटिव, क्योंकि यही जो सिक्स फॉर्म्स है सेंटेंसेस में, ये बोलने में आते हैं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियोज में ये एम का सिक्स फॉर्म पढ़ा है, ईच का पढ़ा है, आर वॉच वेयर सबके सिक्स फॉर्म पढ़े हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं एंड यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन इट इन योर रेगुलर डे टू डे लाइफ। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ शॉल बी एंड विल बी विथ सिक्स फॉर्म्स। नाउ लुक हियर द शॉल बी, आई शॉल बी अ पायलट, मतलब भविष्य में कोई क्रिया होगी या मैं ऐसा बनूंगा या रहूंगा या कुछ करूंगा, उसके लिए हम लोग शॉल बी का प्रयोग करते हैं या विल बी का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई शॉल बी अ पायलट मतलब मैं वैमानिक बनूंगा। इसका फिर निगेटिव बनाना है हमको, तो क्या करेंगे, आई शॉल नॉट बी अ पायलट, मैं वैमानिक नहीं बनूंगा। ठीक है, मतलब निगेटिव शब्द लिखे हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ टू बी के बाद में। अब देखिए, इसका क्वेश्चन बनाना है, तो जैसे मैंने कहा कि हमेशा जब हम वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी होता है, उसको पहले लेते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लेते हैं। देखिए, यहाँ पर शॉल को पहले लिए। आपको एक बात ध्यान में रखनी दोस्तों कि जैसे हम लोग ये शॉल को सामने लाए, ये कैपिटल लेटर में बन गया, क्योंकि सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जितना आपका परफेक्शन रहेगा राइटिंग में हो या बोलने में हो, तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, एंड दैट्स व्हाई वी शुड ट्राई टू बी परफेक्ट। तो शैल आई बी अ पायलट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क देना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मैं वैमानिक बनूंगा, फिर इसका नेगेटिव शैल आई नॉट भी लिख सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब सिकुड़ा हुआ फॉर्म जिसको बोलते हैं, मतलब शॉन्ट आई बी अ पायलट, फिर इसका क्वेश्चन बनेगा क्या, व्हाट शैल आई बी, मैं क्या बनूंगा, और इसका नेगेटिव व्हाट शॉन्ट आई बी, मैं क्या नहीं बनूंगा। तो इस तरह से हम लोग सिक्स फॉर्म बने। उसका और एक एग्जांपल दिया है, जिससे मैंने वी शॉल बी इन भोपाल, हम भोपाल में होंगे, भोपाल में होंगे, भोपाल क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है। ठीक है, हम होंगे, वी शॉल नॉट बी इन भोपाल मतलब हम भोपाल में नहीं होंगे, उसका क्वेश्चन बनाना है, क्या हम भोपाल में होंगे, शॉल वी बी इन भोपाल, क्या हम भोपाल में होंगे, क्या हम भोपाल में नहीं होंगे, शॉन्ट वी बी इन भोपाल, क्वेश्चन मार्क देना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन है। और फिर अब भोपाल प्लेस शो कर रहा है, तो हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनेगा वेयर से, वेयर का मतलब है कहाँ, हम कहाँ होंगे, तो वेयर शॉल वी बी, हम कहाँ होंगे, और निगेटिव क्वेश्चन, हम कहाँ नहीं होंगे, तो क्या बोलेंगे, वेयर शॉन्ट वी बी। तो इस तरह से आप लोग इसके सिक्स फॉर्म बनाओगे शॉल बी के, हो गए। अब देखिए, विल बी है यहाँ पर, मीनिंग दोनों का एक जैसे, फ्यूचर के एक्शन के लिए शॉल बी विल बी, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि शॉल बी का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ में करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में करते हैं, और विल बी का प्रयोग जो है वो सारे बाकी के रिमेनिंग प्रोनाउन है और जितने भी नाउन है सिंगुलर या प्लूरल उनके साथ में करते हैं, उसमें भी फिर वाइस वर्सा करते हैं, मतलब अपोजिट किया जा सकता है, वो बाद में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे ये सेंटेंस है, देखिए, ही विल बी अ सोल्जर मतलब वो सैनिक बनेगा, बनेगा, उसका नेगेटिव बनाना है कि वो सैनिक नहीं बनेगा, तो ही विल नॉट बी अ सोल्जर, वो सैनिक नहीं बनेगा। फिर वही फॉर्मेट पर हम कि क्वेश्चन बनाना है तो वर्ब को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट को बाद में डालेंगे, तो विल ही बी अ सोल्जर, क्या वो सोल्जर बनेगा। देखिए, फिर से यहाँ पर जो विल है, विल को हम लोगों ने कैपिटल लेटर में लिखा, और जो ही यहाँ पर कैपिटल है बट यहाँ पर स्मॉल है, तो ये राइटिंग स्किल के रूल्स है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन बनाना है कि विल ही बी अ सोल्जर, हो गया, क्या वो सैनिक बनेगा, उसका निगेटिव बनाएंगे, तो इसका भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है ओंट, ओंट, तो वोंट और वांट में डिफरेंस है बेटा, वोंट ही बी अ सोल्जर, क्या वो सैनिक नहीं बनेगा। अब वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो क्या के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ द व्हाट, व्हाट विल ही बी, वो क्या बनेगा, व्हाट वोंट ही बी, वो क्या नहीं बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सिक्स फॉर्म बनाने हैं, क्योंकि यही आते हैं, जैसे लोग बहुत अच्छे सिटीजन बनेंगे, लोग अच्छे नागरिक बनेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पीपल विल बी गुड सिटीजन्स। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। देखो, ये सेंटेंस फिर से एक लिखा हुआ है नाउन से, रोहन विल बी ब्रेव, रोहन बहादुर होगा या बनेगा। ठीक है, रोहन बहादुर नहीं होगा तो रोहन विल नॉट बी ब्रेव, रोहन बहादुर नहीं होगा। क्या रोहन बहादुर होगा, क्या रोहन बहादुर बनेगा, विल रोहन बी ब्रेव, वोंट रोहन बी ब्रेव, क्या रोहन बहादुर नहीं बनेगा, तो ये निगेटिव हो गया। अब रोहन कैसा बनेगा, अब क्या बनेगा नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वालिटी शो कर रहा है, कैसा
बनेगा। तो हाउ विल रोहन बी, रोहन कैसा होगा या कैसा बनेगा, हाउ वोंट रोहन बी, रोहन कैसा नहीं होगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको लिखना है कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, तो क्या लिखोगे आप, आई शॉल बी अ गुड पर्सन, आई शॉल बी अ गुड पर्सन। अब इसको निगेटिव बनाना है इसलिए सीख रहे, ऐसा नहीं कि आपको रियल लाइफ में गुड इंसान नहीं बनाए, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे मैं अच्छा इंसान नहीं बनूंगा, तो आई शॉल नॉट बी अ गुड पर्सन। फिर आपको क्वेश्चन बनाना है, वर्बल क्वेश्चन, क्या मैं अच्छा इंसान बनूंगा, क्या मैं अच्छा इंसान बनूंगा, शॉल आई बी अ गुड पर्सन, और फिर क्या मैं अच्छा इंसान नहीं बनूंगा, शॉन्ट आई बी अ गुड पर्सन, मैं कैसा इंसान बनूंगा, मैं कैसा इंसान, देखो यहां पर नाउन भी आ रहा है इंसान, कैसा इंसान। तो आप लिख सकते हो हाउ शॉल आई बी, मैं कैसा बनूंगा, या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शॉल आई बी, इस तरह से भी लिख सकते हो, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शॉल आई बी, और फिर उसका नेगेटिव हाउ शॉन्ट आई बी, या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शॉन्ट आई बी, इस तरह से आप लोग इसका नेगेटिव बना सकते हैं। विल बी का उसी तरह से कि इंडिया विल बी पावरफुल, भारत पावरफुल बनेगा, भारत पावरफुल नहीं बनेगा बोलना है, ठीक है ना। तो इंडिया विल नॉट बी पावरफुल, क्या भारत पावरफुल बनेगा, विल इंडिया बी पावरफुल, वोंट इंडिया बी पावरफुल, क्या भारत पावरफुल नहीं बनेगा, भारत कैसा बनेगा, हाउ विल इंडिया बी, भारत कैसा नहीं बनेगा, हाउ वोंट इंडिया बी। तो इस तरह से ये सिक्स फॉर्म है दोस्तों, और ये बोलने में आते हैं, और इसका बहुत आप ज़्यादा से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड डेफिनेटली यू विल हैव मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस। तो आपके पास में दोस्तों फॉर्म्स ऑफ टू भी आ चुके हैं, यम इज आर वाज वेयर शॉल बी और विल बी, और मुझे लगता है ये बिगिनर के लिए, एक स्टार्टअप के लिए इतने सेंटेंसेस सफिशियंट होते हैं। आप लोग अब भी बोल नहीं सकोगे मुझे कि आपको अंग्रेजी बोलते नहीं आती, आपको अंग्रेजी बोलती आती है, बस आपके पास में अभी इतना सफिशियंट मटेरियल आ चुका है कि यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, जस्ट यू स्टार्ट, ओके। सो आई होप यू विल डू इट एंड बी अ वेरी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।